मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया है। जी हां, बीजेपी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने कांग्रेस के राजकुमार पटेल पर जीत दर्ज की। भार्गव ने ये चुनाव 13,846 वोट से जीते हैं। बता दें कि इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा शुरू से ही कांग्रेस से भारी था, क्योंकि यहाँ सीट पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है। वहीं राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने बुधनी की जीत पर जनता का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने विजयपुर उपचुनाव पर हार को लेकर भी अपना बयान दिया। मुझे खुशी है इस बात में, बुधनी विधानसभा क्षेत्र के समस्त देवतुल्य मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करती हूं, उन्हें धन्यवाद देती हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में अपना भरोसा व्यक्त किया है। बुधनी का विकास विगत 18 वर्षों में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए और इस बुधनी का नेतृत्व करते हुए हमारे नेता भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने जिस प्रकार से किया, वो विश्वास बुधनी की जनता ने उन पर एक बार फिर व्यक्त किया है। और आने वाले समय में बुधनी के विकास में सीहोर जिले की प्रभारी होने के नाते बुधनी के मतदाताओं को ये भरोसा दिलाती हूँ कि विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। विजयपुर में हार, विधानसभा के लेकर परिणाम आए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया कुन्ना उतारना क्या हार का कारण रहा विजयपुर में? देखिए, विजयपुर में हमारी पराजय के लिए मैं आज सबसे पहले कहना चाहूँगी कि विजयपुर का जो जनादेश प्राप्त हुआ है उसे हम विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता ने जो जनादेश दिया है निश्चित रूप से वो हमारे लिए शिरोधार्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश के राजनीतिक दलों में वह पार्टी है जो हर चुनाव के बाद अपनी चुनावों की समीक्षा करती है। विजयपुर के चुनाव की भी समीक्षा हम करेंगे और हमें संतोष इस बात का है कि विजयपुर विधानसभा आज़ादी के बाद कभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रही, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ 2023 में विजयपुर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 18,000 से अधिक वोटों की से पराजय का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन इस बार हमारा वो अंतर कम हुआ और मात्र 7,000 के वोटों से हमें पराजय का मुंह देखना पड़ा। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने मतदाताओं का वोट का प्रतिशत वहाँ बढ़ाया है और आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव विजयपुर में होगा तो निश्चित रूप से हम विजयश्री हासिल करेंगे। शुरुआत में कांग्रेस लगातार धांधली का आरोप